हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ऋचा हिस्ट्री की एक क्लास लाई हूं, जिसमें आज हम सिकंदर को जानेंगे। दोस्तों यह मगध राज्य के उत्कर्ष वाले वीडियो का पार्ट रहेगा सिकंदर, क्योंकि यह मगध राज्य से ही रिलेटेड है। जबकि हम अपने मौर्य साम्राज्य को शुरू किए हुए हैं, जब मौर्य साम्राज्य को ख़त्म कर चुके हैं, मौर्योत्तर साम्राज्य भी साथ में इसके चल रहा है, तो ये पीछे का रह गया था सिकंदर टॉपिक, तो इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम मौर्योत्तर साम्राज्य में शुंग वंश को जानेंगे और कुषाण वंश को। तो सिकंदर के बारे में जान लेते हैं, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसी के काल में एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था, हाइडस पेज का युद्ध, इसलिए सिकंदर टॉपिक को जानना बेहद ही ज़रूरी था। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, क्योंकि बेहद ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट चलता रहता है, और बहुत सी चीज़ें जो हम कॉपी में नहीं लिख पाते हैं उसे हम समझाते भी हैं बीच बीच में। तो वीडियो से बने रहा करिए, वीडियो को छोड़ के मत भागा करिए। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है आज का, सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर किसके शिष्य थे, बहुत बार ये एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर के सेनापति की बात की जाए तो ये भी बड़े बड़े एग्जामों में बने हुए हैं। सिकंदर का सेनापति जो है वह सेल्यूकस निकेटर था। अब बात करते हैं, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर के ही काल में हाइडस पेज युद्ध, जिसे कि झेलम तथा वितस्ता युद्ध के नाम से भी जाना जाता था, हुआ था। यह हुआ किसके किसके बीच था, यह सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इस युद्ध में पंजाब के राजा पोरस जो है उनकी हार हुई थी और सिकंदर की विजयी हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरता के कारण सिकंदर उनसे प्रसन्न हो गया था, और युद्ध में माफ़ी के साथ साथ उन्हें उनके राज्यों को भी वापस कर दिया था। तो ये था हमारा हाइडस पेज युद्ध के बारे में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, या कहिए क्वेश्चन है सिकंदर से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। ये कई एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था। तो दोस्तों, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसका शासक था सिकंदर के हमले के समय। तो और नेक्स्ट पॉइंट है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो ऊपर ही बता दिया, नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, यह राजा सिकंदर महान के समकालीन था। नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो यह था मसग, एक राज्य है उस जो कि अश्वक गणराज्य से संबंधित था, वहाँ की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध जो है शस्त्र धारण कर लिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वह पंजाब के राजा पुरु या पोरस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हीं की वीरता से खुश होकर सिकंदर ने इन्हें माफ़ी दे दी थी और इनके साम्राज्य को लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बात की जाए दोस्तों। तो सिकंदर बहुत कम जीवन जिया था, 33 वर्ष की अवस्था में ही बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं, सिकंदर कहाँ का शासक था। तो दोस्तों, सिकंदर मकदूनिया का शासक था। ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये IAS PCS से लेकर के बहुत से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की बेटी का विवाह किस प्रसिद्ध मौर्य राजा के साथ किया गया था। दोस्तों, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया था। इससे आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं, पहला कि सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था। तो दोस्तों, सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, और सेल्यूकस निकेटर की ही पुत्री के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम क्या था। कभी कभी पूछ लेता है, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम कॉर्नेलिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर को किस अन्य नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों सिकंदर को विश्व विजेता अलेक्जेंडर सिकंदर महान इन दो नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर का जल सेनापति कौन था। दोस्तों सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था। तो सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला था, जिससे कि सिकंदर ने बहुत से युद्ध लड़े थे और इसी बहुकेफला अर्थात अपने प्रिय घोड़े के नाम पर ही सिकंदर ने एक नगर की स्थापना की थी झेलम नदी के किनारे पर। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था या सिकंदर ने जिस नगर की स्थापना की थी वह किस नदी के तट पर था और उस नगर का नाम क्या था। तो उस नगर का नाम बहुकेफला था तथा वह नगर झेलम नदी के तट पर था। तो दोस्तों ये सिकंदर महान से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लेकर आए हुए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।